हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश के एनुअल एग्जाम के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले रीडिंग सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर वन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज है, द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, फॉर देयर इज नो कॉर्नर ऑफ इट विच दे हैव लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। There is no dearth of books on any topics, be it as simple as the composition of sodium nitrate or as intricate as the mechanism of a spacecraft rocketing toward the Mars. इस पैसेज में ये बताया गया है कि बुक्स का किंगडम एक ब्रह्मांड की तरह है और कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जिसके बारे में बुक्स में ना लिखा गया हो। किसी भी टॉपिक्स पर बुक की कमी नहीं है, चाहे वो सोडियम नाइट्रेट जैसी सिंपल कॉम्पोजिशन हो या फिर मार्स पर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट की टिपिकल स्ट्रक्चर हो, फील्ड्स ऑफ नॉलेज हो या फिर स्प्रेडिंग अवर प्रोग्रेसिव व्यूज हो। बुक्स पूरे वर्ल्ड में सभी लैंग्वेज में लिखी हैं। घरों में ये बुक शेल्फ में, बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी और लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। कीट्स एक पोएट है जिन्होंने एशियंट पोएट होमर की पोएट्री पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और उन्होंने इसे माना है कि ये सोने का खजाना है और कीट्स होमर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इस पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, इसी तरह का कुछ पैसेज आपसे भी पूछा जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ बुक्स इज कंपेयर टू अ नेशन, यूनिवर्स, अ कंट्री, अ स्टेट। फर्स्ट लाइन में देखिए, द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स। आंसर है बी, यूनिवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द बुक्स आर यूज फॉर, फर्स्ट फॉर गेनिंग नॉलेज, सेकेंड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, थर्ड फॉर गेनिंग यूजफुल आइडियाज और लास्ट ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है ऑल ऑफ अबव। तीसरा क्वेश्चन है, किड्स वॉज इंस्पायर्ड बाई एंशियंट पोइट होमर। अभी पैसेज में देखा था किड्स इंस्पायर्ड थे होमर पोइट से। फोर्थ क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैराग्राफ इज, पैराग्राफ की अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगी, बुक्स, सेकेंड बुक्स एंड मेन, थर्ड बुक्स आर द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड फोर्थ बुक्स एंड एवरलास्टिंग कंपेनियन। बुक्स हमेशा साथ देने वाली साथी होती हैं, कंपेनियन होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, बुक्स एंड एवरलास्टिंग कंपेनियन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बुक्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, द सम ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, अ फ्यू ऑफ या मोस्ट ऑफ। पैसेज में अभी देखा था कि सभी लैंग्वेजेस में पूरे वर्ल्ड में बुक्स लिखी गई हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बुक्स आर डिस्प्लेड इन लाइब्रेरीज, बुक स्टॉल्स एंड लाइब्रेरीज और शॉप्स। यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी, बुक्स स्टॉल्स एंड लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर सेवन है, डार्थ मीन्स स्कैसिटी, प्लेंटी, लिलेंथ या बेनिफिट। डार्थ का मीन्स होता है कमी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्कैसिटी। पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्करेजमेंट इन द पैसेज, फर्स्ट एडवांसमेंट, सेकेंड इंस्पिरेशन, थर्ड जीनियस और फोर्थ नॉलेज। डिस्करेजमेंट का अपोजिट होगा इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर टू है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक पोम दी हुई है, द वर्म, When the earth is turned in spring, the worm are fed as anything, and birds come fly all around to eat the worm right off the ground. They like worm just as much as like bread and milk and apple pie. And once when I was very young, I put a worm right on my tongue. I didn't like to taste a bit also, so I didn't. But oh, I makes my mother squirm because she think I eat them. आई ईट दैट वॉर्म। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वॉर्म लुक लाइक अ स्प्रिंग, टाइनी, स्मॉल, बिग, फैट। यहाँ पे देखिए, व्हेन द अर्थ इज टर्न इन स्प्रिंग द वॉर्म आर फैट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फैट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनिमल इज फ्लाइंग अराउंड इन द पोम, फर्स्ट वॉर्म, सेकेंड बाई बर्ड है मदर और फोर्थ है ड्रैगन। यहाँ पर देखिए, बर्ड्स कम्स फ्लाइंग ऑल अराउंड। आंसर है बी, बाय बर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, हु आर दे इन द सेंटेंस, दे लाइक वॉर्म जस्ट एज मच एज आई लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड एप्पल पाई। फर्स्ट ऑप्शन द बर्ड, सेकेंड द वॉर्म, थर्ड द पीपल और फोर्थ द फूड।
करेक्ट आंसर है द बर्ड. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर द बॉय टेस्टेड द वॉर्म. फर्स्ट द बॉय स्वॉलोड द वॉर्म, सेकेंड द बॉय एट द वॉर्म, थर्ड द बॉय डिड नॉट स्वॉलो द वॉर्म, और फोर्थ है द मदर एट द वॉर्म. बॉय को टेस्ट अच्छा नहीं लगा था इसलिए उसने वॉर्म को निगला नहीं था. करेक्ट आंसर हो जाएगा द बॉय डिड नॉट स्वॉलो द वॉर्म. क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाई डिड द मदर्स स्क्वैम. फर्स्ट शी सॉ हर सन एट द वॉर्म, सेकेंड शी लाइक्स वॉर्म एज मच एज हर सन, लास्ट है शी थिंक हर सन एट द वॉर्म. करेक्ट आंसर है डी, शी थिंक हर सन एट द वॉर्म. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन दिस पोम द फ्रेज टर्न इन हियर मीन्स. फर्स्ट टू कास्ट टू मूव अराउंड अ एक्सिस आर सेंटर, कास्ट टू रोटेट आर रिवॉल्व, सेकेंड टू गिव आर राउंडेड फॉर्म टू, थर्ड टू फोल्ड बेंट आर ट्विस्ट, और लास्ट है टू इंजर बाय ट्विस्टिंग. पोम में सीजन की बात की जा रही है इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर सेवन है, द बॉय वॉन्टेड टू टेस्ट द वॉर्म बिकॉज ही वॉज हंगरी, क्यूरियस, एक्साइटेड, एनोड. करेक्ट आंसर है सी, एक्साइटेड. क्वेश्चन नंबर एट है, द बॉय डिडेंट स्वॉलो द वॉर्म बिकॉज फर्स्ट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज मदर, सेकेंड ही वॉन्टेड द बर्ड टू हैव इट, थर्ड ही डिडेंट लाइक द टेस्ट, और फोर्थ द वॉर्म रिगल्ड आउट ऑफ हिज माउथ. करेक्ट आंसर इज सी, ही डिडेंट लाइक द टेस्ट. क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन होगा. यहाँ पर क्वेश्चन है, यू आर राम आर रामा ऑफ क्लास सेवेंथ स्टडिंग इन विद्या भारती स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ड्रामा कॉम्पिटिशन, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स. इसी तरह का नोटिस आपसे भी पूछा जा सकता है. नोटिस में ये ध्यान रखना है कि आपका नाम, अगर आप बॉयज़ हैं तो राम है, गर्ल्स हैं तो रामा है, आप सेवेंथ क्लास में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम विद्या भारती स्कूल है, और ड्रामा कंपटीशन के लिए नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखनी है और उसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नोटिस में सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, फिर कंपटीशन की हेडिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट अवर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज अ ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑन मार्च 2024 इन द हॉल ऑफ द सेकेंड फ्लोर. The drama will be held at 10 a.m. Time for each participants will be 3 minutes. All those who are interested kindly contact Ram or Rama of class 7th. Registration will be closed on March 17, 2024. इसके बाद राम या रामा और अपने क्लास का नाम. क्वेश्चन नंबर थ्री का और क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द ब्रदर ऑफ योर मदर इन्वाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी एट होम. यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपने मामा जी को अपने बर्थडे पर अपने होम में इनवाइट करना चाहते हैं. लेटर में सबसे ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद करेंट डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे डियर अंकल, होप यू आर डूइंग वेल, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेट यू, दिस टाइम पापा हैज़ ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी इन अ होम, बट आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट एज यू आर नॉट कमिंग. डियर अंकल, इट हैज़ बीन अ रियली रियली लॉन्ग टाइम दैट आई वेंट आउट With you and Granny, I request you to please come to the party and I will enjoy it is to fullest. I miss you. इसके बाद your lovingly और your name. क्वेश्चन नंबर फोर है, डेवलप अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स बाई यूजिंग द गिवन आउटलाइंस. यहाँ पर कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं एक स्टोरी की, जिनका यूज करके आपको अपने वर्ड में इस स्टोरी को लिखना है. इसे आप अपने शब्दों में लिखिए या फिर यहाँ पर दी हुई स्टोरी को भी आप लिख सकते हैं. Once upon a time, there was a dog. He was very hungry. He kept wandering here and there in search of food. He found a piece of meat. He picked up the piece of meat and walked toward home. There was a bridge on the way of his house. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog in the water with the meat. He wanted to snatch the piece of the meat from him, so he started barking at his reflection. As soon as he opened his mouth to bark at her, his own piece fell into the water. The greedy dog lost his meat. और इसका moral हो जाएगा, don't be greedy or greed is a curse. Question number 4 का और question है, write a short paragraph in about 100 words on any one of the following. First topic है importance of trees. सेकेंड टॉपिक है एनी फेस्टिवल, और थर्ड टॉपिक है अ विलेज फेयर. इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा और आपके स्कूल में जो भी इस तरह के टॉपिक्स करवाए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से लर्न करिएगा.
क्वेश्चन नंबर 5 है, डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स एनी 5. फर्स्ट है, ओनली दोज वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस सक्सीड इन लाइफ. चूज करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा हार्ड. ओनली दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ. दूसरा है, रोहित इज फीलिंग मच डैश वेल बेटर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर हो जाएगा रोहित इज फीलिंग मच बेटर. अगला है, इन सा हाउस द विलेज अ ब्यूटिफुल वी. अरेंज द वर्ड इन सेंटेंस. यहाँ पर वर्ड्स जंबल फॉर्म में लिखे हैं, इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है. करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वी सा अ ब्यूटिफुल हाउस इन द विलेज. अगला है, राम इज डैश प्ले क्रिकेट. यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर प्ले का हो जाएगा प्लेइंग. राम इज प्लेइंग क्रिकेट. अगला है, ही डैश अर्न अ लॉट ऑफ मनी. यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हो जाएगा, ही अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी. अर्न में ईडी लगा दीजिए. अगला है, ही हैज डैश ब्रैकेट में है कंप्लीट हर वर्क. यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर हो जाएगा, ही हैज कंप्लीटेड. कंप्लीट में ईडी लग जाएगा, हर वर्क. क्वेश्चन नंबर 7 है, द डॉक्टर सेड टू हर यू आर नॉट सिक. चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट सिक. और लास्ट है, मोहन इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास. चूज करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हो जाएगा, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. पेपर का सेक्शन सी होगा लिटरेचर. यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आपकी बुक की एक पोएम का स्टेंजा है, इसे रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. चलिए इसे रीड करते हैं. आई नो दैट देयर इज अ नॉट रियली अ घोस्ट. माई ब्रदर टेल्स लाइक टू कीप द शेड फॉर हिज टेन. देयर इज नॉट एनी वन स्टार्टिंग आर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज गॉन फ्रॉम हिज वेब. सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर्स ब्रदर लाइक टू हिम. फर्स्ट ऑप्शन, He wishes to mislead the speaker. Second, he wishes to sell away the shed. Third, he wishes to solely use the shed. और last है, he is afraid to the ghost. यहाँ पर A और B दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि वो mislead भी कर रहा था और अकेले use भी करना चाह रहा था. ये B और ये C ऑप्शन है. Second क्वेश्चन है, who wishes to go into the shed soon? First, the speaker. सेकेंड द स्पीकर्स ब्रदर. थर्ड द घोस्ट. और लास्ट द डॉग. करेक्ट आंसर है ए, द स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज रिटन द पोम द शेड. फर्स्ट फ्रैंक फ्लाइन. सेकेंड फ्रैंक फ्रेड. और थर्ड फ्रैंक फोर्ड. करेक्ट आंसर है ए, फ्रैंक फ्लाइन. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड. फर्स्ट स्मॉल रूम. सेकेंड लार्ज रूम. और थर्ड एम्प्टी रूम. करेक्ट आंसर है स्मॉल रूम. और में सेकेंड पोएम है, मेडू सरप्राइजेस. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk slowly though the velvet grass and listen by the brook. Question number 1 है, meadow are grassy, dry, flowery या watery. Correct answer है grassy. Second question है, who is the poet of these lines? Correct answer है Louis Brandt Phillips. अगला question है, when we are by the side of the brook, we should. Answer है try to listen. फोर क्वेश्चन है, टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ द सरप्राइजेस वन शुड. आंसर है वॉक स्लोली एंड बी अलर्ट. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी दो सेक्शन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है. यहाँ पर कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं. 7A से 4 क्वेश्चन और 7B से 4 क्वेश्चंस. 7A में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन. इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन वॉज द ब्रदर ऑफ द पर्सन हु वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड द किंग टुक अवे हिज लैंड. दूसरा क्वेश्चन है, वाई डस माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक. इसका आंसर है, माया थिंक दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक बिकॉज ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड हैज नो फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग डज ब्रिसल कोन पाइन लीव. वेयर कैन यू फाइंड इट. आंसर है, ब्रिसल कोन पाइन ट्री लीव फॉर 4000 ईयर्स एंड इट कैन बी फाउंड ऑन स्लोप्स आर व्हीलर पार्क निवादा. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फेल. आंसर है, डैड वॉज श्योर दैट ही वुडेंट फेल एज ही थॉट क्लाइंबिंग ट्री टू बी अ चाइल्ड्स प्ले एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ गुड क्लाइंबर. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज अ रैबिट रिएक्ट व्हेन इट सीज अ मैन.
आंसर हो जाएगा इफ द रैबिट सीज मैन इट विल गेट स्केयर्ड एंड जंप। 7A का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मदर टेल द पोएट अबाउट द गार्डन स्नेक। आंसर है ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल एंड द काइंड ऑफ स्नेक ही सा इन द गार्डन इज रदर अ गुड वन दोज स्नेक्स ओनली ईट इंसेक्ट्स फॉर फूड एंड नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी 4। फर्स्ट है मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। आंसर है 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज चांदनीज प्रॉब्लम। आंसर है बींग अ माउंटेन गोट चांदनी लव्ड हर फ्रीडम एंड विश्ड टू गो टू द हिल द रोप राउंड हर नेक स्टॉप्ड हर फ्रॉम बींग फ्री। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द बियर ईट ये बियर स्टोरी से बताना है आपको। स्टोरी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है द बियर ईट ब्रेड पॉरेज पटेटो कैबेज एंड टर्निप। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड टोटो डू द एंटरटेन टिमोथी। आंसर है टोटो पुल द टेल ऑफ द कब टिमोथी टू एंटरटेन। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वर टिमोथीज कंपेनियंस। आंसर है टिमोथीज टू कंपेनियंस वर टोटो एंड मंकी एंड पपी। क्वेश्चन नंबर 7B का लास्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द एवरीवन इन द कंट्रोल रूम जेंटली एक्साइटेड। आंसर है एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वाज जेंटली एक्साइटेड बिकॉज दे हैड सीन टू स्पेसक्राफ्ट कमिंग टुवर्ड देयर प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ए और बी दो सेक्शन है। ए में पहला क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द किंग डिस्क्राइब योर मीटिंग विथ द हर्मिट। इसमें और में क्वेश्चन है Who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph about him. और B में पहला क्वेश्चन है Freedom is life. Explain this with reference to Chandni. और क्वेश्चन है Do you think there is life on other planets? In what way are they likely to be different from us? इन क्वेश्चंस के आंसर स्वयं करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर कुछ आपसे भी पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।